दोस्तों, अगर आप भी कुछ इस तरीके से 3D सोशल मीडिया प्रोफाइल फ़ोटो बनाना चाहते हैं तो ये फ़ोटो बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आप यहाँ पर किसी भी प्रोफाइल का फ़ोटो बना सकते हैं, जैसे YouTube, WhatsApp, Facebook, Instagram, मौज, किसी भी प्रोफाइल का फ़ोटो आराम से बना लेंगे। आपकी टी शर्ट पर आपका नाम लिखा होगा, आपकी प्रोफाइल पर भी आपका नाम लिखा होगा। आप यहाँ पर लड़की का फ़ोटो बना सकते हैं, लड़के का भी फ़ोटो बना सकते हैं। मैंने दोनों प्रॉम्प्ट दे रखे हैं, मैं आपको बताऊंगा कि आप उन प्रॉम्प्ट को कैसे कॉपी करेंगे। तो ऐसा फ़ोटो बनाने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल को ओपन करना है। गूगल को ओपन करने के बाद दोस्तों आपको सर्च बार में लिखना है haripaltech.com, haripaltech.com। आपको सर्च बार में haripaltech.com लिख के सर्च कर देना है। सर्च करने के बाद दोस्तों आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। अब दोस्तों आप यहाँ पे कई अलग अलग प्रकार के फ़ोटो बना सकते हैं, जैसे इस वीडियो में आपको ये फ़ोटो बनाना सिखाऊंगा, लेकिन इसके अलावा दोस्तों आप ये फ़ोटो भी बना सकते हैं। आप यहाँ पर ऐसे फ़ोटो भी बना सकते हैं, आप यहाँ पर ऐसे फ़ोटो भी बना सकते हैं, राम मंदिर वाला, आप यहाँ पे की सेट वाला फ़ोटो बना सकते हैं, आप यहाँ पे सोशल मीडिया वाला 3D फ़ोटो बना सकते हैं। और इन फ़ोटो को बनाने का प्रोसेस बिल्कुल सेम है, जैसे इस वीडियो में मैं आपको ये फ़ोटो बनाना सिखाऊंगा। तो ये फ़ोटो बनाने के लिए दोस्तों आपको नीचे दिखाई दे रहा होगा रीड मोर, आपको रीड मोर पर क्लिक करना है। जैसे आप रीड मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और नेक्स्ट पेज ओपन हो जाएगा। इसमें दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर पूरा का पूरा आर्टिकल हिंदी में लिखा हुआ है। आप चाहो तो इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। अगर आप इस आर्टिकल को पढ़ना नहीं चाहते तो आपको स्क्रॉल करके नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों मैंने यहाँ पे आपको दो प्रॉम्प्ट दिए हैं, आपको उन प्रॉम्प्ट को कॉपी करना है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने दो प्रॉम्प्ट दे रखे हैं। ये पहला जो वाला प्रॉम्प्ट है वो लड़के के लिए है और जो नीचे वाला प्रॉम्प्ट है वो लड़की के लिए है। आप अपने हिसाब से अपना प्रॉम्प्ट कॉपी करेंगे। इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको क्या करना है, अपनी उंगली को लॉन्ग प्रेस करके रखना है। जैसे आप लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे यहाँ पर ये सिलेक्ट होता जाएगा। सिलेक्ट होने के बाद दोस्तों आपको इसे यहाँ से कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद दोस्तों आपको ऊपर की साइड में आना है। ऊपर आने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर दिखाई देगा क्लिक हेयर, आपको क्लिक हेयर पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो प्रॉम्प्ट अभी आपने वहाँ से कॉपी किया है उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पर पेस्ट कर देना है। प्रॉम्प्ट को पेस्ट करने के बाद दोस्तों अब आपको यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे ये जो प्रोफाइल फोटो बनेगा वो फेसबुक का बनेगा, क्योंकि यहाँ पर फेसबुक लिखा है। आप चाहो तो यहाँ पर इस फेसबुक को हटाकर इंस्टाग्राम का, व्हाट्सएप का, यूट्यूब का भी प्रोफाइल फोटो बना सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप नीचे की साइड में देखेंगे तो यहाँ पर दिखाई दे रहा है टी शर्ट नेम। आप जो आपने जो आपका जो करेक्टर है वो टी शर्ट पहनेगा, उस टी शर्ट पर आप क्या नाम लिखने वाले हैं। जहाँ पर मेरा नाम लिखा है आप यहाँ से मेरे नाम को हटा के अपना नाम लिखेंगे। उसके बाद दोस्तों आप नीचे देखेंगे तो आपको फिर से यहाँ पर मेरा नाम दिखाई देगा। अब दोस्तों जैसे आपने फेसबुक की और सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाई है तो आपकी प्रोफाइल का क्या नाम है वो प्रोफाइल का नाम आप यहाँ पर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ी सी प्रोसेसिंग चलेगी और प्रोसेसिंग के बाद ये फ़ोटो बनके रेडी हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर एक अकाउंट बनाना होता है। अकाउंट बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है, आप अपनी ईमेल आईडी से अकाउंट बना लेंगे। अगर आपने अकाउंट नहीं बनाया है और अकाउंट बनाने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मैंने इस पर एक पहले से वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं इस वेबसाइट ने हमारे सामने चार फोटो बना के दे दिए हैं। अब दोस्तों आपको जो भी फोटो अच्छा लगता है आप यहाँ से अपने फोटो को ओपन करेंगे। जैसे यहाँ पर ये फोटो है, यहाँ पर और मेरी टी शर्ट पर मेरा नाम गलत आया है तो मैं इधर साइड में स्क्रॉल करूँगा और यहाँ भी मेरा नाम गलत आया है और यहाँ भी मेरी टी शर्ट पर नाम गलत है। अगर दोस्तों आपको लगता है कि इसने हमारा नाम सही से नहीं लिखा है तो आपको दोबारा से क्रिएट पर क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे ये फिर से आपके सामने चार फोटो बना के दे देगा। दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं इसने दोबारा से हमारे सामने चार फोटो बना के दे दिए। जैसे मैं सबसे पहले फ़ोटो को ओपन करता हूँ तो आप यहाँ पर देखेंगे इस प्रोफाइल पर भी मेरा नाम लिखा है और इस टी शर्ट पर भी मेरा नाम लिखा है। अगर आपको अपना फोटो पसंद आ जाता है तो आपको डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर तीन बिंदु दिखाई देंगे, आपको तीन बिंदु पर क्लिक करना है। उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पर क्लिक करेंगे ये फोटो आपकी गैलरी में डाउनलोड हो जाएगा। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना।